हेलो फ्रेंड, नमस्कार। शर्म नर्सरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट लेके आया हूँ आपके सामने। वो है थुजा प्लांट, उसको मोर पंख भी कहा जाता है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे पॉटिंग मिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद सनलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, वाटरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोपागेशन इस प्लांट को कैसे किया जाए वो डिस्कस करेंगे, और फर्टिलाइजर क्या देना है, कैसे देना है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको इस प्लांट के बारे में संपूर्ण ज्ञान चाहिए तो एंड तक जरूर बने रहिएगा, तो आपको इस प्लांट के बारे में पूरा ज्ञान, फुल ज्ञान आपको मिलेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं पॉटिंग मिक्स के बारे में। तो पॉटिंग मिक्स आपको क्या क्या लेके बनाना है, जैसे 70% गार्डन सॉयल, 20% कंपोस्ट और 10% जो है आपको सैंड लेना बहुत जरूरी है। मुख्य सैंड इसलिए लेते हैं क्योंकि वो गुड ड्रेनेज सिस्टम उसका गुड बहुत बढ़िया होता है अगर आप उसको सैंड मिक्स करेंगे, जिसको हम बजरी भी बोलते हैं। अगर आपके पास सैंड नहीं है तो आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गार्डन सॉइल और कोई भी कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहला चीज़, आप जब भी कोई भी पॉटिंग मिक्स बनाएंगे तो वेल ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है। वेल ड्रेन मतलब आप जब भी कोई भी पानी उसमें डालेंगे तो नीचे से जो है ड्रेनेज होल से जो है पानी निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी निकल जाता है तो आपका सॉइल जो है वेल ड्रेन है, अगर पानी नहीं निकलता है तो आपका सॉइल जो है वेल ड्रेन नहीं बना है। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं पानी के बारे में। पानी इसको कितना दें और कब दें, जैसे कि ये पानी जो है ये जो इसका टॉप सॉइल आपको देखना है कि वो ड्राई है कि नहीं। अगर ड्राई है तो पानी दे सकते हैं, लेकिन एक बार आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये प्लांट जो है मॉइस्ट लविंग प्लांट है, मतलब उसका जो सॉइल है वो मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है। वेट नहीं, गीला नहीं होना है, मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ये प्लांट जो है समर में बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। इसका जो ग्रोइंग पीरियड है वो समर है, और समर में आपको पानी का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पानी इसको समर में अगर नहीं देंगे तो उसकी जो लीव्स है वो ब्राउन हो जाएंगी और मर भी सकती है प्लांट। तो समर में आपको बहुत ध्यान रखना है उसका पानी का। आप सुबह दे सकते हैं या फिर शाम को दे सकते हैं, दोपहर को पानी मत, कभी भी मत दीजिएगा प्लांट को। चलिए फ्रेंड्स, वाटरिंग के बारे में तो हो गया, अब बात करते हैं सनलाइट के बारे में। फ्रेंड्स, सनलाइट जो है आपको इस प्लांट को कहाँ रखना है, देखिए इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं और डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं। ये इंडोर नहीं रख सकते, नहीं रख सकते मीन्स अगर आप इसको इंडोर रखेंगे तो वो ग्रो इतना फास्ट ग्रो नहीं होगा। आप फ्रेंड्स को 3 से 4 घंटा फुल सन में रख सकते हैं, ऐसी जगह में रखिएगा जहाँ फुल सनलाइट उसको डायरेक्ट सनलाइट मिले। और ऐसा नहीं कि आप अगर डायरेक्ट सनलाइट में आप पूरे दिन भर रखेंगे तो ये प्लांट मर जाएगी, ऐसा नहीं है। उसको पानी बराबर आपको देते रहना है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो है सनलाइट गर्मी में बहुत ही अच्छा बढ़िया से वो प्लांट ग्रो होता है। आप इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं और आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं, लेकिन इंडोर मत रखिएगा इसको। इंडोर रखेंगे तो ग्रो इतना ज़्यादा नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं प्रोपगेशन के बारे में। प्रोपगेशन के वीडियो में एक्स्ट्रा एक नया वीडियो में ला रहा हूँ प्रोपगेशन। इसको प्रोपगेशन हम लोग बहुत ईजीली स्टेम कटिंग से कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस जो है थोड़ा दूसरा है। हम लोग डायरेक्ट खाली हम लोग को उसको प्रोपगेशन करके हम उसको डायरेक्ट स्टैंड में लगाएंगे। सैंड में लगाने के बाद जो उसका जो सैंड का जो सैंड है उसको हम लोग मॉइस्ट रखेंगे। वो दूसरा ही वीडियो एक है मैं ला रहा हूँ फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद मैं वो वीडियो लाने वाला हूँ। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइज़र के बारे में। तो फर्टिलाइज़र जो है आप इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें, जैसे कि अगर आप 2-3 किलो का जो गोबर है वो 12 या 10 लीटर के पानी में उसको मिक्स करेंगे, उसको घोला बना सकते हैं। घोला बनाने के बाद उसमें जो है उसका जो पॉटिंग मिक्स है वहाँ आप उसमें डाल सकते हैं, ये हो गया। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जैसे जो पॉट का जो ऊपरी लेयर जो है मिट्टी का उसको आप थोड़ा निकालेंगे, निकालने के बाद गोबर खाद कोई भी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे वहाँ, ठीक है। वहाँ डालने के बाद उसमें आप ऊपर से मिट्टी दे देंगे, तो ये भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने आपको इसीलिए काउडंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट इसलिए यूज़ करने के लिए बताया है आपको, क्योंकि ये जो प्लांट है जो पत्ते वाली प्लांट है, तो एक चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, जितने भी पत्ते वाली प्लांट होती है
वो नाइट्रोजन रिच, उनमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो लीव्स को बहुत ही बढ़िया ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला है और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आपका कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में वो टाइप कर सकते हैं। तो एंड तक रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।